इमरान खान तेरी अजमत को सलाम। इमरान खान जिंदाबाद, जिंदाबाद। ने साबित कर दिया इमरान खान हमारा वैध लीडर। हमने निहाली वालों के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारा मान बढ़ाया। इमरान खान को इज्जत दी, इमरान खान को अरूज पे ले गए। अनवास मुबारक। पूरा मुल्क किसी तरह क्लीन स्वीप करेगा और इंशाअल्लाह उसामा मेला साहब और अंसर हनल साहब क्लीन स्वीप करेंगे। इमरान खान का नजरिया आज सब साबित हो गया है और लोगों ने ये कर दिखाया है कि मेरी सोच जिस तरह निकली है आज यूथ ने साबित कर दिया है कि इमरान खान के साथ यूथ खड़ी है और पूरा मुल्क किस तरह निकला है। और इससे जो है इमरान खान के हाथ मजबूत हुए हैं और इंशाल्लाह खान वापस आएगा। और खान साहब इस मुल्क के अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे और इंशाल्लाह जल्द जेल से बाहर आएगा। कैदी 804 अकेला भी है। और जिस तरह हमारी यूथ निकली है इंशाल्लाह 804 बहुत जल्द बाहर आएगा। करता हूँ कि जिस तरह आपने खान का मान बढ़ाया, खान के लिए आप निकले, आपने कुर्बानी दी, तकलीफें बर्दाश्त की, सौंदर्य बर्दाश्त की और हम आपको सलाम पेश अपने लोगों से अदब दे और अजीत के पीछे में नारे हर तरफ लगा और साथ साथ हर तरफ एक बहुत ही आपको दिखा रहे हैं कि हर तरफ एक जो जज्बा बहुत ज़्यादा देखा गया है और इस वक्त तो आप देख रहे हैं कि हर तरफ जी। मैं इस वक्त लीरानी में मौजूद हूँ। उसामा अमन मेला साहब तकरीबन 1100 की लीड से जीत चुके हैं और अंसर इकबार हरल साहब भी तकरीबन 1000 की वोटों से जीत चुके हैं। और आप इस वक्त PTI की आवाम का जश्न देख सकते हैं कि हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सुरख किया और हमने जुल्म का बदला वोट से लिया है और इस बार पहली दफ़ा ही औरतों के भी वोट कास्ट किए गए हैं और पहली दफ़ा ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ लियानी से जीती है। और अभी जो इतला मिली है कि उसामा अमन मेला साहब और अंसर इकबार हरल साहब दोनों सीटों से जीत चुके हैं लेकिन कन्फर्म अभी ज़राए मुकम्मल नहीं हुआ रिजल्ट, लेकिन काफ़ी लीड से वो आगे जा रहे हैं। जैसे जैसी अपडेट्स मिलेंगी इंशाल्लाह आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आप PTI की रैली देख रहे हैं जो लुधियाना अड्डे से शुरू हुई है और मेन बाजार से गुजर की हुई आखिर में लड़कियों वाले हाई स्कूल के पास इख्तिताम पज़ीर होगी। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो काफ़ी हद तक पीछे भी लोगों की बड़ी तादाद है जो मोटरसाइकिल गाड़ियों और साथ साथ कारों और बड़ी ईको डालों पर भी मौजूद है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस वक्त जो टर्न आउट रहा है वो काफ़ी हद तक मुस्बत रहा है और बग़ैर किसी लड़ाई झगड़े के और बग़ैर किसी शोर गुल के ये आज का पोलिंग का दिन
इंतजाम पजीर हुआ। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बात देखने में मिली है कि इस वक्त आवाम का जो जोश जज्बा है वो बहुत ज़्यादा दिली है, क्योंकि हर तरफ नारे हैं कि कैदी नंबर 804 और साथ साथ अंसर हरल जिंदाबाद और सांबा में अल्लाह साहब जिंदाबाद। क्योंकि आवाम ये क्या कहता है कि हम अपना जुल्म के बदला वोट चलेंगे, और वो काफ़ी ले चुके भी हैं। तो आप देख रहे हैं अभी यहाँ तक मुकम्मल हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, आज हम इस वक्त रियाती में मौजूद हैं जहाँ पे डी आई ने काफ़ी भारी अक्सरियत से विन किया है। उसामा मेला और अंसर हरल साहब काफ़ी वोटों से आगे हैं, तो तकरीबन लिहानी पूरे से विन कर चुके हैं।